हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो जून 2011 में सीएसआईआर नेट पे पूछा गया था। क्वेश्चन रियल एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल टॉपिक्स हैं। तो क्वेश्चन क्या कहती हैं, लेट एक्स से जो आपका सेट है वो 0,1 है, फॉर जे इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे ही चल रहे हैं। लेट जो वाई है आपका वो है इनफाइनाइट प्रोडक्ट जे इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स जे विच इज़ आर ट्रू। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाई इज काउंटेबल सेट, सेकेंड बोला है कार्डिनलिटी वाई इज टू कार्डिनलिटी 0 1 क्लोज इंटरवल में। थर्ड बोल रहा है हमें यूनियन 1 to infinity जे इज टू 1 to n, n का यानी कि मतलब है फाइनाइट, एक्स जे इज अनकाउंटेबल। और चौथा बोला है वाई इज अनकाउंटेबल। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे कुछ आपको बेसिक रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। उन्हीं बेसिक रिजल्ट की मदद से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले रिजल्ट ये होते हैं कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। दूसरा ये आप जानते हैं कि इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। तो हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा है, वाई इक्वल्स टू दे रखा है इनफाइनाइट प्रोडक्ट जे इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी एक्स जे। और एक्स जे हमें क्या दे रखा है, दो सेट 0 to 1, वो हम देखेंगे अभी। फिलहाल अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो क्या जाएगा जे 1 × 2 x2 x3 x4 कितने तक चलेगा, इनफाइनाइट नंबर तक चलेगा। यानी कि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट सेट है। और हम जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट। यानी कि ये कितने टाइम सही है, ये आपके एलिफ नॉट टाइम्स हैं। ओके, अब हम और एक बेसिक रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे, जिसे कि क्या होता है कि कार्डिनलिटी अगर ऐसा है तो अगर इनफाइनाइट प्रोडक्ट है जे इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी एक्स जे, तो वो क्या होता है कि ये जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट का साइन है वो बाहर आ जाता है और कार्डिनलिटी क्या होती है, एक्स जे। तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो कार्डिनलिटी वाई इसके अकॉर्डिंग हम खोल देंगे। तो कार्डिनलिटी एक्स जे क्या होगी, एक्स जे में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो कार्डिनलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमने यहाँ रख दिया है। और इसको जब इनफाइनाइट प्रोडक्ट खोलेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स होगा, ये 2 क्या है आपका नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट। यानी कि ये कितने टाइम्स है, एलिफ नॉट टाइम्स है। और बाई अलजेब्रा अब इसे इसका मतलब है कि ये 2 की पावर एलिफ नॉट टाइम्स है। और 2 की पावर एलिफ नॉट टाइम्स का मतलब होता है क्वांटिनम, और कॉन्टिनम क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट। तो अब हम आते हैं हमारे ऑप्शन पर। तो अभी हमने देखा कि वाई हमारा क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है वाई इज काउंटेबल सेट, यानी कि गलत। ऑप्शन सेकंड बोल रहा है कि कार्डिनलिटी वाई यानी कि अनकाउंटेबल। और कार्डिनलिटी 0 1 कभी भी आपका क्लोज इंटरवल लगा होता है तो उसकी कार्डिनलिटी आपकी अनकाउंटेबल होती है ना। तो ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, तो दोनों बराबर हैं, सही है। फिर ये बोल रहा है कि देखिए मैंने बोला था जे इक्वल्स टू 1 to n यानी कि फाइनाइट यूनियन एक्स जे इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल बोल रहा है, अनकाउंटेबल नहीं होता, फाइनाइट के लिए काउंटेबल होता है। देखिए एक रिजल्ट होता है ना, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, लेकिन यहाँ बोल रहा है अनकाउंटेबल, विच इज़ रॉन्ग। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे आपका सपोर्ट